इसका मतलब क्या है? अभी मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, हाँ, लाइक दिस। इसके अंदर सभी मंत्र लिखा हुआ है, हाँ, मंत्र यानी कि ओम मणि पद्मे हुम। देखिए अब इसको बहुत मंत्र इसके अंदर, एक बार घुमाओ तो सभी मंत्र को रिसाइट करो। अच्छा, तो रिसाइट करने का मकसद ये है कि हमारा जो बॉडी माइंड स्पीच, इसी की वजह से हमें बहुत सफर है। जैसे कि बॉडी की वजह से किसी को मार डालना, माइंड की वजह से किसी के बारे में सोचना गंदा बात, और स्पीच किसी को हमने बुरा बोलना। अब इसको प्यूरीफाई करने के लिए हम ये मंत्र रिसाइट किया जाता है, बट मनो से नहीं, मन से। तब चांसेस है कि हमारा बॉडी माइंड स्पीच प्योर हो। और कोई इसको कैलकुलेशन रख देते हैं, यदि कुछ नहीं किया होगा, हाँ, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन। अच्छा, ये है टिप चलते हैं। स्टाइल आ रहा है, थोड़ा सा जो हम पढ़ते हैं वो स्टाइल बता देता हूँ।
वो ये बने जैसे कि ये रहा ओ माँ नी प द माँ ओम, यानी कि जो ये अक्षर है कहते हैं कि ये संस्कृत से लाया गया था, जैसे का ख ग ना चा च जा ना, तो हमारे इसमें का ख ग ना चार ही होता है, आपने का ख ग ना ये तो आपका ना भी तो ना इस तरह है, ये ना इस तरह है बिल्कुल ये था, जो पहले हिंदुज्म में हिंदू प्रीफर किया जाता था, फिर बाद में कन्वर्ट हुआ और हिंदुज्म में अब देखिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो पहले आप पानी ऑफर पानी देते हैं, तो ये एक फिलॉसफी दे रहा और दूसरा फिलॉसफी कहा जाता है कि पानी एक प्योर थिंग्स है, तो ये हम इसको ऑफर किया जाए, ये इसको पूजा करने के लिए ये चाहिए और ये इसको हम उसको ये भी अमृत कह सकते हैं और ये बैल ये सब चीज़ें यानी तो इसको हम विजडम मेथड भी कहा जाता है, यानी तो इसको मेल फीमेल भी कहा जाता है इस तरह Mani Bhagne Om.
पेंटिंग पहले ही पुरानी है पेंटिंग। और यह बात जो आजकल जो पेंटिंग किया जाता है वो नेचुरली यहाँ के पत्थर को फूट फूट के Thank you.